नमस्कार देश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं। बिहार के सिंहवाड़ा पंचायत वार्ड सदस्य लाल बाबू पंडित प्रखंड हनुमान नगर दरभंगा जिले ने सरकार से मिला लाभ में हिस्सा लेने के लिए बेचारी जनता को परेशान कर रहा है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अब की बार कोरोना महामारी ने सबको बेबस कर दिया है, उसके बाद बाढ़ भी सबको घर से बेघर कर रही है। उसी को देखते हुए सरकार ने सबकी मदद के लिए सबके अकाउंट में 6,000 रुपये डालने का निर्णय लिया और उसका फ़ायदा उठाने के लिए पहुंच गए वार्ड सदस्य और बोले कि जिसका हम फॉर्म अप्लाई करेंगे 500 रुपये लेंगे तभी उसके अकाउंट में 6,000 रुपये आएगा और जो नहीं देगा उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, जिससे बेचारे गरीब मजदूर बहुत ही परेशान हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सनाउल हक चंचल की रिपोर्ट। बाहर जिस तो घोषित हुआ तभी ना ये 6,000 वाला रुपया जो मिल रहा है, पेमेंट बहुत का हुआ है और बहुत का बाकी भी। बताइए क्या समस्या है? बाहर में दिक्कत हुआ है बहुत, वार्ड नंबर भी चाल चलता है, पैसा 6,000 रुपया मांगता है, 6,000 में 500 दे, जैनू नहीं मिलता है, एक आदमी के 2 मिलता है। इस बेचारी के घर छोड़ के दूसर में किराया पर है। हाँ। बहुत स्थिति खराब था। हाँ। जो बात है, अब जो मुखिया सरपंच है यहाँ के वार्ड नंबर 8 है ना रे, 8 के वो सबसे पाई मांगे है कि नहीं मांगे? 500 रुपये मांगे है कि नहीं? बिहार प्रदेश के दरभंगा ग्राम पंचायत राजाराम पुट्टी के मुखिया ललन कुमार महतो ने अपने पंचायत वासियों से निवेदन करते हुए कहा कि बिहार सरकार के दिशा निर्देशों एवं लॉकडाउन का पालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने के लिए जनता से अपील की। ललन कुमार महतो ने इस कोरोना काल के दौरान अपने पंचायत के लोगों में मास्क, साबुन और सैनिटाइजर भी वितरित किया। उन्होंने बिहार सरकार के बारे में बताते हुए कहा कि जब से बिहार में नीतीश सरकार आई है बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार की अर्थव्यवस्था, शिक्षा नीति, विद्युत परियोजना, कृषि आदि को विकास की ओर ले जाने के लिए बहुत सारे काम किए। ललन कुमार महतो ने नीतीश कुमार से अनुरोध करते हुए कहा है कि बिहार में कारखाना लगवाएं जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिले। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सनाउल हक चंचल की रिपोर्ट। बिहार सरकार बहुत ही अच्छा सरकार है। अभी माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कार्य, उनके कार्यकाल में जो विकास हो रहा है ये 4 चांद के बराबर है, क्योंकि हमारा बिहार जो है सो पिछड़ा है। यहाँ कल कारखाना उद्योग नहीं है, नहीं कोई ऐसा खजाना है जिससे बिहार की रफ्तार को तरक्की माने खूब तीव्र रफ्तार में हो सके। उसके बाद भी हमारे जो ईमानदार मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, कम संसाधन रहने के बाद भी जो विकास बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने किया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और आने वाले कल में भी चाहेंगे इस सरकार को, आम जनता से अपील करेंगे जो बना के रखे ताकि हमारा बिहार इसी तरह विकसित करता रहे, आगे बढ़ता रहे। बिहार के दरभंगा हनुमान नगर प्रखंड के डिलाही ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप मंडल ने बाढ़ से बदहाल अपने पंचायत में जाकर वहां रह रहे लोगों से मिलकर उनका हाल जाना। उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से बाढ़ का पानी जमे रहने से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुखिया प्रतिनिधि दिलीप मंडल ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का वश नहीं चलता। दिलीप मंडल ने बाढ़ पीड़ितों से कहा कि उन्हें प्रति परिवार के हिसाब से 6,000 रुपये शीघ्र दिए जाएंगे। लाभुकों की सूची बनाई जा रही है, सूची मिलने के बाद पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने अपने पंचायत के सभी बाढ़ पीड़ितों के बीच पॉलीथीन व मास्क वितरण किया। उन्होंने बिहार सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि 14वीं व 15वीं वित्त का फंड न मिलने के कारण पंचायत का कार्य आधा अधूरा है, जिससे पंचायत का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। दिलाही ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप मंडल ने अपने पंचायत की सभी जनता से इस कोरोना महामारी का संदेश देते हुए कहा कि वे बिहार सरकार के दिशा निर्देशों एवं लॉकडाउन का पालन करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि इस बीमारी से जंग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक चारों स्तर पर लड़ी जानी है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सनाउल हक चंचल की रिपोर्ट। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव। नमस्कार।